कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस में फूट फिर हुई उजागर। रेवाड़ी 12 जनवरी आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। वर्ष 2024 में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मुंगेलाल के सपने देखना बंद करें। एक बैठक में सभी साथ नहीं बैठ सकते, कांग्रेस नेता। जनता कांग्रेस के पिछले 10 वर्षों का देख चुकी है शासन, अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी जनता। अयोध्या में भी श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 5 विपक्षी पार्टियों द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार करने के सवाल पर कहा कांग्रेसियों की नहीं है श्रीराम में आस्था। कार्यक्रम को लेकर राजनीति करना पूर्ण रूप से गलत। देश के लिए गौरव का पल बावल उपमंडल के गांव नेहचाना में ही मोदी की गारंटी वाले कार्यक्रम में कर रहे थे शिरकत। गांव में पहुंचने का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत, लोगों को समस्याएं सुनकर मौके पर ही किया निदान। कहा लोगों को हो रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से फायदा, लोगों के घर बैठे हो रहे कार्य, लोगों में भारी उत्साह। इस तरह से पूरे देश के अंदर महासंकल्प यात्रा चल रही है और उसी सिलसिले में आज गांव नेहचाना में हम आए हुए थे और जिस तरह से इस यात्रा के दौरान लोगों के घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे पेंशन ही बन जाती है, राशन कार्ड बन जाता है
आयुष्मान कार्ड बन जाता है और दूसरी जो सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं और लोगों में काफ़ी जोश है और जो ये भारत संकल्प भारत यात्रा है तो काफ़ी लाभ मिल रहा है। किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स सामने देखने को आ रहा है? लोगों में बता दे रहा काफ़ी उत्साह है क्योंकि घर बैठे जब कोई सुविधा मिल रही है तो लोगों को अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन दिन को जो समस्या है वो आते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देश में उल्लास है, ऐसे में विपक्ष की 5 पार्टियां इस बहिष्कार करने की बात कर रही है, किस तरह देखते हैं इस नीति? ये इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि राम सबके थे और राम जी के ऊपर कोई राजनीति करें गलत बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे देश की आस्था है और हमारा देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख होने जा रहे हैं। 2024 की बात कर ले, चुनाव की तैयारियां, कांग्रेस लगातार कह रही है कि 24 में हम सरकार बनाएंगे। अभी 2 दिन पहले उनकी बैठक थी, उसमें से एक गुट बिल्कुल नदारद था, ऐसे में कहीं ना कहीं इनमें दोनों में मतभेद है, 2 गुट बने हुए, तो कैसे लगता है कि ये सरकार बना पाएगी? देखो, इनका पहले से ही कांग्रेस में इतना मतभेद है, इतनी आपसी फूट है कि एक साथ नहीं बैठ सकते और जब खुद में ही इतना सहयोग नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, जनता इनको क्यों वोट देगी? इनको लोगों को गलत फहमी है कि हमारी सरकार है, लेकिन लोग कतई इनके साथ नहीं लगे क्योंकि इन्होंने लोगों ने इनकी 10 साल की सरकार देख ली, 10 साल की सरकार में इन्होंने क्या विकास करे, क्या लोगों का भला किया है, उसको ठीक है।